सासू माँ के यहाँ नजर है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और अली को देखो। हाँ अली को देखो कैसा पकड़ के खड़ा है जैकेट। आज हम दोनों माँ बेटे ने ट्विनिंग किए हैं। मैंने भी ग्रीन पहनी हूँ, अली ने भी ग्रीन पहना है ना अली। वाओ सो ब्यूटीफुल। हाँ ग्रीन ग्रीन। तो चलिए गाइस, डैडी को बोला आने को नीचे। अली आगे, डैडी चलो आगे। ली नहीं आई, नीचे जा रही है बेटा। सो गाइस बस कल फिर से स्टार्ट करेंगे काम, क्योंकि वो था नहीं यहाँ पे, बाहर गया था। इसको देखो। चलिए गाइस, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई, ऊपर जा रही है अली। लिफ्ट क्या? तू बोला लिफ्ट आ गई, लिफ्ट ऊपर जा रही है। मैंने आपको बोला था आगे। ऐसा क्यों पकड़ा जैकेट, ला मैं खड़ी करती उसको। चल चलिए गाइस, अभी हम लोग नीचे जाते हैं और फिर मेरी सासू माँ के यहाँ भी जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी वहाँ पे नजर हो रही है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हमारी सासू माँ के घर के पास। आराम से चलो जानू, चल। हाँ हाँ तू चल सामने देख, चलो चलो आराम से नीचे देखना अली। देख ली मैंने, चलो चल चल लिफ्ट दबा। हम लोग को लेट हो गया, हम लोग को जल्दी आना था, लेट हो गया, क्या करें। चलो लिफ्ट आ गई। ये गाइस पहुंच चुके हैं हमारी सासू माँ किधर। तो गाइस अभी हम लोग चिकन से जा रही हूँ वहाँ से, चलो। हाँ अभी हम लोग निकल चुके हैं दादी के यहाँ से, और डैडी भी आ रहे हैं, कल अली की स्कूल है। तो गाइस आज हम लोग गए थे खान नज़र में मेरी सास के यहाँ पे, लेकिन ये लड़के ने खाना नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि उसको स्पाइसी पसंद नहीं है, लाइट खाना खाता है। और अभी उसको होटल में लेके आना पड़ा मेरे को, है ना। खाना खाया नहीं है, रख दो बेटा। तो गाइस खाना नहीं खाया इसको, इसके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे। अभी क्या खाना है तुम्हारे को यहाँ पे? पेटीएम पे 5,000 प्राप्त हुए। तुमको कुछ खाने का? पेट भरा हुआ है ना अपना। चलो ऑर्डर दे दियो, मैंने दिला के लेके आ रही हूँ। क्या खाना है देखो? चलो गाइस इसका खाना मंगवा लेते हो, फिर दिला के लेके आ गया हमारा खाना। सो गाइस आ चुके हैं हम हमारे घर के पास। चलो चलो लिफ्ट दबाया, चल। गाइस अली को भेज दिया है ट्यूशन और मैं जा रही हूँ अभी घर के लिए, जो पर्दा दी थी सीने के लिए वो लेने, और घर के लिए बहुत सारी चीज़ें दी थी, रनर दी हूँ, सोफे का पीलो कवर दी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेने के लिए जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी। मैं लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी आपको कि मैं शॉप में आई हूँ, अभी वही शॉप में जा रही हूँ लेने के लिए। चलिए गाइस आपको दिखाते रहूँगी मैं, मिलते हैं। सो गाइस जो शॉप है वो मेरे घर के पास ही है, इसके लिए मेरे आज बाइक नहीं दी, मैं चलते में जा रही हूँ, देखती हूँ दुकान खुली है कि नहीं। चलिए गाइस, सो गाइस मैं आ चुकी हूँ शॉप के पास, आपको दिखाती हूँ शॉप। चल चल के हालत ख़राब हो गई, कैसा है? ऐसे हो? अच्छी हो बेटा। तो ये है शॉप, चलो नसीब शकील भाई है। पहुंच गई हूँ शॉप पे। शकील जी अस्सलाम वालेकुम, हो गया भाई? ये है मेरा बना हुआ सब सामान पोटले में। तो गाइस मैं शकील जी के जैसे जाके आ गई हूँ, लेकिन मेरा काम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी उन्होंने बोले 2 दिन लगेगा, तो जो बना था रेडी हुआ था वो मैं उनके यहाँ से लेकर आ गई, अभी थोड़ा और बहुत बाकी है वो मैं जाऊँगी 2 दिन बाद लेने के लिए। गाइस अभी मैं जा रही हूँ अली को लेने के लिए, क्योंकि आज अली के डैडी जाएंगे नहीं अली को लेने, अली रो रहा था, बोला मम्मा तुम आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ अभी अली को स्कूल से लेने के लिए। तो आप सो गाइस अली को लेके आ गई हूँ, और कैसा खेल रहा है मम्मा के साथ। अली अली लिफ्ट दबाया, जल्दी आ, और मोहम्मद अली आज डैडी ने गए ना, आज मम्मा ही लेने के लिए ना। और नमीरा क्या बोलती बेटा?
गाइस अभी लेके आ चुकी है अली को और देखो कैसे कराटे क्लासेस कर रहा है। कैसा कैसा करते हैं मोहम्मद, कैसा करते हैं अली? मोहम्मद बताओ कैसा करते बेटा। देखो ये दोनों कैसा कराटे क्लासेस कर रहे। हाँ वेरी सो नोस मोहम्मद। और इसको सब आता है? अरे नहीं नहीं नहीं, काम मत बढ़ा मेरा बेटा। तो चलो गाइस अब इसको लेके जाती हूँ ऊपर। अच्छा अली को जूस दे रहा है, अली देख देखो बोल रहा है तो जूस पी, मेरे को पानी दे। प्यास लगी उसको पानी की। अली बोलो, अली कितना अच्छा बोलता है वो। अली बोलो, अली मोहम्मद अली बोलो पहले, अली बोलो, अली बोलो, अली इसको परेशान कर रहा है। और दामाद आ चुके हैं और निदा का मैं आज फेवरेट डिश बनाई हूँ। यस चने चावले हलवा पराठा। अरे तो लेकर आए, बनाए थोड़ी ना। सुबह में तो उठ के बोल रही थी ना मम्मी हलवा पराठा चाहिए। बेटा इसके लिए लेकर आए। चिकना नहीं है सूफियान, वो चाय पियो। तू रोटी तो ले चाय के साथ। सूफियान से लाए हलवा पराठा। हम लोग वहाँ पर रोज सुबह सुबह खा लेते हैं, कॉलेज से निकल के फ्री में खाते थे मेरे दोस्त की दुकान। सुबह सुबह पूरी भाजी समोसे। ये भी अंकल का दामाद है बेटा। हम लोग रोज खाते थे, मजा आती थी। ये बहुत टेस्टी होता है मम्मी। और ये चिकना नहीं, जरा भी सीने पे नहीं लगता। ये बच्चे लोग भी खाते हैं इसको, बच्चे लोग भी खाते हैं, बहुत अच्छा। चलो अभी और क्या चाहिए बेटा? और कुछ भी नहीं, बस आओ आप भी अपना नाश्ता कर लो। हाँ। रोटी ले रोटी क्यों नहीं ले रहा बेटा? मैं मन नहीं है रोटी खाने का, लाइट मेरी चॉइस है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है लाइट। मेरे चॉइस से अच्छी थी गाइस, बट इसकी वजह से आंटी को भी वही चीज जो मेरे को पसंद आया था, बट इसकी वजह से गाइस हम लोग को छोटी लाइट लेनी पड़ी। हम लोग बड़ी लाइट देखे थे। अरे वो फोकस की बात कर रहा हूं, फोकस की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो तुम इसमें भी बात, इसमें भी चेंज की बोला था मैंने, वाली लाइट लगा रहे थे, मस्त लगती थी वो भी। तुम्हारी चॉइस है ये गाइस, मैं देखना मैं वो उठ के आ रही है वॉल पे, वो भी उठ के आ रही थी, तब जाती वॉल के अंदर कुछ नहीं, वो भी उठ के आ रही थी। वो सिंगल एक एक दीवार पे दब दब, वो बाहर है और मेरे हाथ से नहीं दब जाए जाके उधर। नहीं मम्मी यहाँ पे एक सो लगा दो, डू नॉट टच, डू नॉट टच। अरे तो सोफा आएगा ना बेटा तो उतना गैप पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। घर में इंस्टॉलमेंट सोफा भी आएगा, सोफा ले लेंगे इंशाल्लाह, ये हफ्ते में ही ले लेंगे इंशाल्लाह। ये हफ्ते में लेंगे, ये हफ्ते में ऑर्डर देंगे ना, 10 दिन के बाद 15 दिन बाद डिलीवरी, मतलब जनवरी के एंड में आएगा। अब अभी तेरे बाप जॉब पे लग गया ना बेटा, तो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ तू नवी मुंबई में देख ले। हाँ, पे पहले लास्ट टाइम देखे थे। हाँ, राइट गोरे गाँव में देख सकते हैं। अरे जाओ मेरी कमर टूट जाएगी गोरे गाँव तक पहुँचते पहुँचते, ऐसी चलूंगी मैं। बहस करते हुए देख के ना मेरे को मेरी याद आती है जवानी के दिन याद आते, जवानी के दिन तुमको तुम्हारे आदमी याद आता है। ये एक्चुअली तुम लोग को देख, बहस करते हुए देख के ना मेरे को क्या याद आता है बताए, हम लोग दोनों मियां बीवी भी ऐसी बहस करते पूरा दिन, नाश्ता बोलो, खाने के टाइम पे बोलो, डिनर के टाइम पे बोलो, हम लोग का चालू ही रहता है। हाँ कुछ ना कुछ हम लोग का चालू ही रहता है, तुम लोग की कैसी नोकझोंक चालू रहती है वैसे हम लोग की नोकझोंक। अकेले होगे हम लोग समझ सकते हैं, हम तुम्हारी भावनाएं समझ सकते हैं। क्यों अकेले होगे, मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, मैं क्यों अकेली होगी? अल्लाह तुम अपने बेटे को भूल गए यार, बेटा तो सो रहा है ना, अभी बेटी दामाद बेटा है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सच्चाई सामने आ रही है। बेटी जब घर में आती है ना तो किसी की कदर नहीं होती फिर। हाँ बेटी तो बेटी होती है बेटा। चलो फिर बेटी घर की बरकत होती है। हाँ सही बोला बेटा, नहीं बेटी घर की बरकत है तो बेटा भी घर की रौनक है, ऐसा नहीं है। बोले बेटी घर की बरकत है तो बेटा भी घर का रौनक है, बेटे से तो रौनक आती है घर में। दोनों बेटे हो गए ना, तू भी तो बेटा है ना मेरा, साथ दो ना मेरा कैमरे में पागल। नहीं तू भी तो मेरा बेटा है ना। नहीं नहीं तू भी बेटा है मेरा, बेचारा ब्लॉग देखेगा मम्मी मेरा नाती लिए। अच्छा मेरे को कंटेंट मिलेगा ना अपने पर, अली हुआ गुस्सा। चलो गाइस फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में।
और ये इतने काले दिख रहे लाइट चालू कर वहां से हलवा पराठा वंस अगेन गाइस लाइट चालू कर शादी के बाद से बोलते हैं लेकिन मेरे मियां क्या बोलते हैं उन लोग के लिए छोड़ो इग्नोर इट तो इसी के साथ अली के ब्लॉग को हम लोग करते हैं एंड अली के चैनल को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़।